लगा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज. और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो स्टार लाइफ. स्टार लाइफ में हम बात करेंगे काजोल और अजय देवगन के बारे में. जी हाँ, बी टाउन के एक ऐसे कपल जिनकी केमिस्ट्री को पसंद किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कैसे ये एक एज अ कपल कितने ही पब्लिकली कितने काम कितने हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. जहां अजय एक शांत नेचर के हैं तो वहीं काजोल हमेशा मस्ती मजाक करती हुई दिखाई देती हैं. लेकिन बात करें एज अ कपल तो ये काफ़ी पसंद किए जाते हैं, फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है. लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जब बात इनके बच्चों की आती है तो बाकी स्टार किड्स से हटकर इनके बच्चे न्यासा और युग की बात करें तो ये लोग लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हैं. जी हाँ, बहुत ही दूर रखते हैं अपने आप को बॉलीवुड की पार्टी से. जैसा कि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर स्टार किड बॉलीवुड पार्टीज़ में नज़र आते हैं, लेकिन न्यासा और युग की बात करें तो ये बॉलीवुड की पार्टी से ज़रा दूर ही रहते हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ बात करें कि अजय और काजोल, वेल, इनकी केमिस्ट्री बच्चों को लेकर कैसी है ये हम आपको बताएंगे. काजोल ने रिसेंटली कहा जब बच्चों की केयरिंग की बात आती है तो अजय देवगन सबसे आगे होते हैं. वेल, तो अजय और काजोल की कैसी है केमिस्ट्री और बच्चों को लेकर उनका कैसा है बर्ताव, आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर. बॉलीवुड स्टार्स काजोल और अजय, फैंस के बीच इनकी जोड़ी काफी पॉपुलर है. जी हाँ, फैंस के बीच ये पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. उनके दोनों बच्चे न्यासा और युग की बात करें जो लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर रहना पसंद करते हैं, हाल ही में ये अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हुए नजर आए. काजोल ने इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझसे ज्यादा अजय बच्चों पर ध्यान देते हैं. जब बात बच्चों को हैंडल करने की आती है तो मुझसे ज्यादा अजय बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो बच्चों को हैंडल करते हैं. वहीं जब अजय से एक इंटरव्यू में उनके बच्चों से रिलेटेड सवाल किया गया तो अजय ने कहा कि मैं बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता हूँ. उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपनी मासूमियत ना खोए, जब जरूरत पड़ेगी तो वो इस इंडस्ट्री का भी हिस्सा हो जाएंगे. एक्ट्रेस काजोल और अजय देवगन की जोड़ी बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ी में से एक मानी जाती है. दर्शकों को अजय देवगन और काजोल की जोड़ी बेस्ट लगती है. आज हम आपको अजय देवगन की घर की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि शायद आपने ये तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी होंगी. बता दें कि अजय देवगन के घर का नाम शिव शक्ति है. अजय का घर दिखने में काफी खूबसूरत है और उसे काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है. जी हाँ, अजय के घर की जो खूबसूरती है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जैसा कि देख रहे होंगे आप तस्वीरों में कि अजय देवगन का घर वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है. बता दें कि अजय देवगन के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. बेटे का नाम युग है और बेटी का नाम न्यासा है. अजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी घर में रहते हैं और अजय की और काजोल के इस खूबसूरत से घर को अगर आप देखिए तो ये वाकई काफी शानदार है. हाल ही में काजोल पहुंची आइकॉनिक ब्रांड 2018 अवार्ड एंड कॉन्फ्रेंस में, जहां पर काजोल से जब उनकी बायोपिक से जुड़ा सवाल किया गया तो देखिए काजोल ने क्या कहा. काजोल जी, ढेरों सारी बायोपिक बन रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप ऐसा चाहती कि कभी काजोल के ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, आई डोंट थिंक दैट आई वॉन्ट डोंट वॉन्ट एनी बडी टू मेक अ बायोपिक ऑन मी. आई थिंक आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू एंड आई एम लिविंग माई ओन बायोपिक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अपनी एक्टिंग से काजोल सालों पहले ही बी टाउन में डंका बजा चुकी हैं. उनकी फिल्में हमेशा दर्शकों को खूब पसंद आती हैं. अब भले ही कम फिल्मों में नजर आती हों काजोल, लेकिन फिर भी उनको देखने की चाहत लोगों को रहती है. तो वहीं बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दें कुछ समय पहले ही काजोल की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी मॉल में चलते चलते अचानक ही गिर जाती हैं, जिससे उनका काफी मजाक भी बनाया गया सोशल मीडिया पर. तो बता दें हाल ही में एक बार फिर से उनको ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल काजोल को हाल ही में किसी इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ब्लैक कलर की ड्रेस में काफी स्टनिंग लुक में नजर आई, लेकिन इसी बीच उनको किया गया फिर से ट्रोल. काजोल को इस बात की हिदायतें दी जा रही हैं कि वो अब देख के चले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से गिर जाए.
तो कहा जा रहा है कि अब उनको देखकर कपड़े पहनने चाहिए, एक बार गिर जाने से उनको सबक ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब काजोल तो हैं बिंदास और एक बार फिर से अपने इसी बिंदास अंदाज में आ रही हैं नजर। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी बेहतर एक्टिंग को लेकर जाने जाने वाली काजोल, जो हमेशा से ही लाइमलाइट का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में काजोल ने बॉडी शेपिंग को लेकर कहीं बातों का जिक्र किया, जहां पर काजोल कहती नजर आए कि लोगों को सौंदर्य के मानक निर्धारित करना बंद करना होगा, क्योंकि हर शख्स खूबसूरत है और उसका अपना व्यक्तित्व भी। साथ ही साथ काजोल ने कहा कि हमें इस तरह का मानक निर्धार करना बंद करना होगा और इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है हर शख्स खूबसूरत है और उसका अपना व्यक्तित्व भी। जिस दिन हमारी अपनी खूबसूरती देखना हम शुरू होंगे, दूसरे भी इसे देखना शुरू करेंगे। काजोल ने अपनी फिल्मों को लेकर कहा कि मैं अपने परिवार और अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं एक फिल्म कर रही हूँ, बहुत सारे विज्ञापन कर रही हूँ और कई चीजें भी। जिस तरह से मेरी जिंदगी में चीजें हो रही हैं, उससे मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। फिल काजोल और अजय जो एक पावर कपल के तौर पर जाने जाते हैं, आपको बता दें कि काजोल और अजय जिनके बीच अक्सर जो नोकझोंक होती रहती है वो हमेशा मीडिया के सामने आती रहती है। जी हाँ, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अजय और काजोल जिनकी मीठी नोकझोंक का अगर एग्जाम्पल दे तो जब अजय और काजोल एक शो में पहुंचे थे तब उनसे उस दौरान पूछा गया था कि काजोल सबसे अच्छी कौन सी डिश बना लेती हैं। उन्होंने फिर इस पर ये कहा कि अच्छी हटा दीजिए और उनसे पूछिए कि वो कौन सी डिश बना लेती हैं। वेल, यहाँ पर काजोल और अजय की जो मस्ती भरा अंदाज था वो देखने को मिला। इसी के साथ जब काजोल से पूछा गया कि अजय के पॉकेट में इस समय कितने पैसे हैं, तो काजोल मस्ती में ये कहती हुई नजर आई कि मैंने तुम्हें कितने रुपए सुबह दिए थे। वेल, जी हाँ, ये एक ऐसे कपल हैं जो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं और इनकी केमिस्ट्री वो हरदम पसंद की जाती है, जहाँ ये एज अ कपल काफी खूबसूरत भी नजर आते हैं। हमारा शो स्टार लाइफ, जिसमें हमने बात की अजय देवगन और काजोल के बारे में। वेल, अजय और काजोल के बारे में बात की जाए तो ये एज अ कपल, जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एज अ कपल ये फैंस के बीच कितने पॉपुलर हैं, इनकी पॉपुलैरिटी क्या है ये शायद हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बात करें न्यासा जो कि अभी सिंगापुर में पढ़ाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं काजोल और अजय अपनी बेटी को। वेल, अजय और काजोल के बच्चों के बारे में अगर बात की जाए तो अजय देवगन ने ये खुद कहा था कि फिलहाल उन्हें वो बॉलीवुड पार्टियों से दूर रखते हैं, लाइमलाइट से दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो बचपन की मासूमियत है वो चली जाएगी। और अजय ने कहा कि मैं उनका ध्यान सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा लगाता हूँ कि ताकि बच्चे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखे, और जब समय आएगा बॉलीवुड जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में आने का तो वो खुद ब खुद उस समय आ जाएंगे। तो अभी से उनको फोर्स करना, उन पार्टियों को अटेंड करना, ये थोड़ा गलत है। जी हाँ, अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बात की थी। वहीं काजोल की बात करें तो काजोल भी अपनी बेटी को थोड़ा दूर ही रखती हैं इन सबसे, जैसे कंपेयर करें बाकी स्टार किड्स की तो वो इसमें नज़र आते हैं। तो वेल, ये था आज का हमारा स्टार बॉलीवुड, माफ़ कीजिएगा, वेल ये था आज का हमारा स्टार लाइफ, जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड की दुनिया की वो गपशप, जिसमें हमने बात की फेवरेट कपल अजय और काजोल के बारे में। कल फिर आऊँगी एक ऐसा ही खास प्रोग्राम लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।